ईदगाह के अंदर कुछ शराब की बोतलें जो कि आप देख सकते हैं, ये कुछ शराब की बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई हैं जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ। और 14 से 5 से 14 से 6 के दौरान इस ईदगाह को बनाया गया था। मेरे को जस्ट साइड में ही ये गेट भी दिखाई दिया जो मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। ये देखिए छोटा सा गेट है। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी एक और नई वीडियो में। आज मैं हूँ हौज खास के अंदर, और हौज खास के अंदर मैं आया था वीडियो बनाने के लिए। सामने देख रहे हैं आप ये चोर मीनार। चोर मीनार के पास आकर मुझे पता लगा कि पास में एक ईदगाह भी है, तो मैं आपको ईदगाह में लेकर चल रहा हूँ। और ईदगाह किसने बनवाई थी इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये अंदर एंट्री करते ही इस ईदगाह का मेन मुख्य रास्ता है, और इसको किसने बनवाया था ये यहाँ पर छोटी सी जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। इस ईदगाह को बनवाया गया था 1404 में या फिर 1405 में बनवाया गया था, और इसको बनवाया गया तुगलक डेंसिटी यानी कि तुगलक शासन काल के दौरान जो उनके मेन रूलर थे जिनका नाम था मल्लू खान। मल्लू खान उस समय उस वक्त क्या उनकी पोजीशन रही थी इसके बारे में कोई मेरे को फ़िलहाल जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ईदगाह की ये यहाँ पर छोटी सी इन्फॉर्मेशन लिखी है। साइड में ही मैंने देखा कि ईदगाह के अंदर कुछ शराब की बोतलें जो कि आप देख सकते हैं, ये कुछ शराब की बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई हैं जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ। जो कि यहाँ पर यह पता लगता है कि यहाँ पर किसी भी तरह की गार्ड का किसी भी तरह की साफ़ सफाई कोई भी इंतज़ाम नहीं किया गया है, क्योंकि ईदगाह है और ईदगाह के अंदर नमाज होती है। मैं आपको सीधा लेकर चला हूँ उस ईदगाह की तरफ, और जानेंगे इसके बारे में कि ईदगाह अब किस हाल में है और कैसी दिखती है, और इसके अंदर फ़िलहाल कुछ गलत एक्टिविटी होती है या फिर इस ईदगाह को संरक्षण के लिए सुरक्षित रखा गया है या फिर नहीं। यहाँ पर आकर के मेरे को बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि यार ईदगाह के अंदर किसी ज़माने में नमाज होती थी, ऑब्वियसली ईदगाह नमाज अदा करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन चलो ठीक है, शासन के हाथ में है, प्रशासन के हाथ में है। अब वो जिनकी जो चीज़ है उनको नहीं दी जा रही वो बात अलग है, वो विषय अलग है, लेकिन अगर आपने इस चीज़ को अपने पास रखा है तो कम से कम इसकी साफ़ सफाई का, इसके पूरा ध्यान रखा जाए, दूसरों के सेंटीमेंट्स का भी थोड़ा ध्यान रखा जाए। तो फिलहाल अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी ईदगाह के पूरी जानकारी। ये देखिए दोस्तों, ये ईदगाह यहाँ से कुछ इस तरह की दिखती है। ये ईदगाह का मेन छोटा सा बुर्ज है, और जैसे हमने अंदर एंट्री करी, ये देखिए छोटा यहाँ पर रूम बनाया गया है, जो कि आज के समय में ये कैसा है अंदर लेकर चलता हूँ। ये देखिए ये इस तरह का यहाँ पर ये बनाया गया है नीचे। बहुत ये किस पर्पज़ के लिए बनाया गया था उस ज़माने में आई डोंट नो, क्योंकि कोई ख़ास चीज़ मेरे को यहाँ पर नहीं मिली। और ये हौज खास का एरिया है, यहाँ पर अक्सर लोग कम आ पाते हैं। फिलहाल यहाँ पर मेरे को कोई भी गार्ड नहीं दिखा, देखिए चारों तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई भी गार्ड नहीं है। और इस पार्क के, इस ईदगाह के हर तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर शराब की बोतलें आपको ज़रूर मिलेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर यहाँ पर नमाज़ अदा करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं तो कम से कम यहाँ पर साफ़ सफाई का तो थोड़ा ध्यान रखा जाए, दूसरों के सेंटिमेंट्स की, दूसरों की भावनाओं को आहत होने से बचाया जाए, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर मुसलमानों को नमाज अदा करने की परमिशन नहीं है। बहुत सारी मस्जिदें बनी हुई हैं, बहुत सारी ईदगाहें बनी हुई हैं, बहुत सारे ऐसे फोर्ट्स बने हुए हैं जहाँ पर आज भी हम लोगों को वहाँ पर नमाज़ अदा करने के राइट्स नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ सरकार का ऐसा है कि ये दायित्व बनता है, ये ड्यूटी बनती है, ये जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम इस चीज़ को जो इबरत के लिए रखी है, जो आपके अंडर में आती है, इनकी साफ़ सफाई रखी जाए। चलो देखते हैं दोस्तों इसके अंदर अब जो ईदगाह है कैसी है। ये देखिए कम से कम इसकी 20 से 25 फीट ऊंची दीवार है, और ये किसी ज़माने में यहाँ पर नमाज अदा की जाती थी। अब ये जगह पहले कितनी होती थी इसके बारे में नहीं जानकारी मिली, क्योंकि अभी छोटी सी जगह बचकर रह चुकी है। फिलहाल इस जगह को चारों तरफ बॉर्डर लगाया गया है, क्योंकि ईदगाह काफ़ी लंबी चौड़ी जगह में होती है, और जिस तरह से ये ईदगाह बनाई गई है तो देखकर लगता है कि ये जगह काफ़ी लंबी चौड़ी होगी उस ज़माने में, जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये ईदगाह का मेन सेंटर, और यहाँ पर एक छोटा सा जीना बनाया गया है, ये देखता हूँ मैं ऊपर लेकर चलता हूँ। और यहाँ पर किसी वक्त में यहाँ पर खड़े होकर के शायद खुतबा वगैरह दिया जाता होगा, क्योंकि ईदगाह के अंदर या फिर मस्जिदों के अंदर जो मेंबर होते हैं कुछ इस तरह के मेंबर टाइप के बनाए जाते हैं, लेकिन ये मेंबर मैं पहली बार देख रहा हूँ। इस तरह का इतना बड़ा मेंबर, इतना ऊंचा मेंबर मैं पहली बार देख रहा हूँ। आई डोंट नो इस जीने का किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, किस लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मैं इस तरह का मेंबर आपको दिखा रहा हूँ। तुगलक समय के दौरान ये जो ईदगाह है ये बनाई गई थी, और 1405 से 1406 के दौरान इस ईदगाह को बनाया गया था। मेरे को जस्ट साइड में ही ये गेट भी दिखाई दिया जो मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। ये देखिए छोटा सा गेट है,
मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। अब हम आ चुके हैं इसके बाहरी हिस्से पर, जो ईदगाह है, ईदगाह के बाहरी हिस्से पर हम लोग आ चुके हैं। और ये बाहर का नज़ारा आपको इस तरह से दिखाई देगा, ये देखिए, ये ईदगाह का बाहरी हिस्सा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और चलिए मैं आपको थोड़ा सा फ्रंट पर लेकर चलता हूँ। दोस्तों, ईदगाह के पीछे से जो छोटा सा रास्ता ये आगे जा रहा है, ये जा रहा है जिस वक्त इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं, तो इमाम साहब पीछे के रास्ते से यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और ज़रूर ये नमाज अदा करने का उस वक्त का मेम्बर रहा होगा जो यहाँ पर आकर इस रास्ते से निकल करके यहाँ पर आकर के इस मेम्बर पर बैठ करके लोगों को नमाज़ पढ़ाते होंगे। तो दोस्तों, ये है वो ईदगाह जो मैंने आपको दिखाई है। और इसी ईदगाह की हम चारों साइड उसको देखें, देखिए थोड़ा सा मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। ये देखिए, साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, चारों तरफ पत्ते पड़े हुए हैं, बोतल पड़ी हैं, कूड़ा पड़ा हुआ है, और साइड में कोने में शराब की बोतलें पड़ी हैं। अल्लाह मेरी तौबा, जो इस तरह से यहाँ पर यह हाल बना कर रखा हुआ है, यहाँ पर गार्ड का इंतज़ाम बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग गेट भी दिखाया था, शराब की बोतलें, और देखिए ये रहा भाई शराब की बोतलें, अस्तगफिरुल्लाह। ये देखिए ईदगाह के अंदर, ये ईदगाह जो आज यहाँ पर नमाज अदा नहीं होती, लेकिन आप देख सकते हैं शराब की बोतलें इस ईदगाह के अंदर पड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर लोग आकर के शराब वगैरह भी पीते होंगे। तो भाई साहब, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो शायद सरकार हमारी भावनाओं को, हमारी सेंटिमेंट्स का भी थोड़ा ध्यान रखेगी। और ये एक छोटा सा बुर्ज यहाँ भी, जो कि पहले मैंने आपको दिखाया था कोने पर बना हुआ है, उसी के आधार पर ये देखिए छोटा सा बुर्ज यहाँ पर बनाने की तैयारी चल रही थी, या भी उस टाइम पर बना होगा, लेकिन इस समय टूटा हुआ है। देखिए, ये देखिए भाई साहब, ये टूटा हुआ है इस समय, या उस वक्त तैयार हुआ था या नहीं हुआ था, आई डोंट नो, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये काफ़ी मजबूताई के साथ बनाया जा रहा था। देखिए, दीवारें करीब करीब 4-5 फीट चौड़ी दीवारें हैं, और ये ईदगाह की दीवार। तो दोस्तों, यहाँ पर आकर के मेरे को जो सबसे बेकार चीज़ लगी वो ये लगी कि ईदगाह के अंदर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है सरकार का। ये देखिए, आप देख सकते हैं कूड़ा करकट, सफाई का बिल्कुल भी इंतज़ाम यहाँ पर नहीं है, और शराब के लिए पूरा भरपूर इंतजाम अब किया जाता है। देखो, बोतलें पड़ी हैं, शराब की बोतलें कैप पड़े हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। तो भाई, मेरी ASI से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर कम से कम गार्ड का इंतज़ाम किया जाए, हमारी भावनाओं का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। हमें यहाँ पर आप नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन कम से कम यहाँ पर जो चीज़ बनी हुई है उनका ध्यान रखा जाए। अब मैं आपको इसके तीसरे भाग पर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। इसी तरह के मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ।